गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी स्टडी फिजिक्स चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, फारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किए थे कि हमारा टेम्परेचर स्केल तीन तरह का होता है और उसके मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज यानी मैक्सिमम लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने ये देखा था पिछले क्लास में कि सेल्सियस स्केल दो नंबर में हमने देखा था फारेनहाइट स्केल और तीसरा स्केल जो था हमारा केल्विन स्केल। क्लियर है, हमने तीन तरह का स्केल देखा था। तो इस स्केल के अनुसार इसका हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो था इसके अनुसार था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था। अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी अपर पॉइंट जो हमारा था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अनुसार फारेनहाइट के अनुसार हम लोगों ने देखा था लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा था सो 32 डिग्री सेल्सियस था और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो था सो हमारा 212 डिग्री फारेनहाइट था। क्लियर है, केल्विन के अनुसार था ये हमारा 273 के था और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो था सो हमारा 373 के था। ये हमारा तीनों का मेन हमारा स्ट्रक्चर था। तो ये इसका हमारा मुख्य रूप से ये हम लोग इसमें ये देखें कि ये तीनों जो हमारा स्केल है ये ऑल थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। The three scales measure the temperature, but their lower and upper value are different। यानी ये तीनों जो स्केल बनाया गया है ये तीनों तो स्केल हमारा टेम्परेचर को ही मेजर करेगा, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। लोअर पॉइंट को किसी साइंटिस्ट ने अलग माना और किसी साइंटिस्ट ने अलग माना, लेकिन तीनों में हमारा रिलेशन हमारा सेम है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो उन लोगों ने बनाया, जैसे मान लीजिए कि ये एक जो थर्मोमीटर जो एक नहीं दिख रहा है ना, एक हम लोग सपोज करते हैं कि एक हमारा सेल्सियस स्केल है। कौन सा स्केल है? सेल्सियस स्केल है। ये हमारा जो है सो सेल्सियस स्केल है। ये हमारा सेल्सियस स्केल है। तो सेल्सियस स्केल के अनुसार उनका 0 डिग्री था लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर जो था सो 100 डिग्री सेल्सियस था। ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट था और ये जो दूसरा जो हमारा थर्मोमीटर है इसको सपोज कीजिए कि ये हमारा थर्मोमीटर जो है सो ये फारेनहाइट स्केल है। तो इनका मिनिमम क्या था? इनका मिनिमम था 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम था 212 डिग्री फारेनहाइट। ए इनका मैक्सिमम था, ए इनका मैक्सिमम था और ए मिनिमम। क्लियर है। और ये जो थर्ड जो था ये हमारा सपोज कीजिए कि ये केल्विन स्केल है। कौन सा स्केल है? केल्विन।
ये हमारा जो थर्ड है इसको केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल के अनुसार मिनिमम पॉइंट कितना था 273 के और मैक्सिमम था 373। देखिए तो इस सबका जो मिनिमम जो स्केल होगा सभी आपस में सेम होगा, सभी आपस में हमारा सेम होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 273 डिग्री के। मतलब कि हम ए इससे रिलेशन पाते हैं कि ये सेल्सियस ने जो हमारा स्केल बनाया था इनका 0 डिग्री लोअर था, फारेनहाइट ने जो स्केल बनाया था इसका 32 डिग्री लोअर था, और जो केल्विन ने जो स्केल बनाया था वो 273 डिग्री के था, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री, वन मिनट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 273 डिग्री के। ये हमारा जो वैल्यू होगा सो आपस में सभी वैल्यू बराबर है, और इसका ये हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, सबका हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट, सबका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। और अगर मैक्सिमम पॉइंट देखें 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट और इक्वल टू 373 डिग्री के, ये सभी वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये हमारा जो है अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारे अपर फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं। इसका अपर पॉइंट मीन सेल्सियस का अपर फिक्स्ड पॉइंट, फारेनहाइट का अपर फिक्स्ड पॉइंट और केल्विन का अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये आपस में हमारे इक्वल होते हैं। इसका मीन्स सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट, फारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट एंड केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, दे आर द रिलेशन बिटवीन देम। अब इसके बारे में हमको आज पढ़ेंगे जरा कन्वर्शन, और इसके बारे में इसको आप जरा याद रखेंगे कि ये तीनों का लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है सो आपस में इक्वल होता है। तो कोई पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होता है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। कोई पूछे कि 32 डिग्री फारेनहाइट केल्विन में कितने के बराबर होगा, तो 273 केल्विन के बराबर होगा। कोई पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस में फारेनहाइट के बराबर कितना होगा, तो 212 डिग्री फारेनहाइट केल्विन में कितना बराबर होगा, तो 373 के बराबर होता है, सभी वैल्यू आपस में इक्वल होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कन्वर्शन ऑफ स्केल। कन्वर्शन मतलब होता है चेंज करना, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये तीनों में रिलेशन। एक और स्केल होता है जिसको हम लोग रिमर थर्मोमीटर या रिमर स्केल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आपके 8th 7th क्लास में नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं किया, ऐसे मैंने उसका वैल्यू आपको बता दें। तो हमने इसमें रिलेशन क्या देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 273 के। अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं क्या कि C माइनस जीरो
इज इक्वल बाई 100, यानी सी फॉर सेल्सियस, जीरो मीन्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक किसके बराबर होता है, एफ एफ फॉर फारेनहाइट, और 32 मीन्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और दोनों का डिफरेंट कितना होता है, तो 180। अगर लोअर फिक्स्ड पॉइंट को जो मैंने आपको फारेनहाइट थर्मोमीटर का जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया है कि ये जो हमारा थर्मोमीटर है, अगर इसको फारेनहाइट थर्मोमीटर अगर लोग मानते हैं तो इसका 32 है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और मैक्सिमम इसका यानी अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर है? अगर इस दोनों, अगर हम कहें कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके बीच को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो 32 तो हमारा एक जीरो के बराबर है, तो 32 के हम लोग ऊपर ही ना इसको डिवाइड करेंगे, तो 33, 34, 35 इस तरह से करते करते हम लोग 212 तक जाएंगे। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो 180 मीन्स 212 से 32 को सबट्रैक्ट करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का वैल्यू जो हम लोग लिख सकते हैं कि सेल्सियस माइनस लोअर वैल्यू और डिवाइडेड बाई अपर वैल्यू, फारेनहाइट माइनस लोअर वैल्यू और डिवाइडेड बाई देयर डिफरेंस, या हम लोग इसमें भी यहाँ पे भी डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 100 होता है, तो 100 में से जीरो को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 100 आएगा, फिर वह 212 में से 32 को सबट्रैक्ट करते हैं तो किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर आता है। उसी तरह से अगर अगर केल्विन को लेते हैं, तो केल्विन का हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 273, और इसका डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं कि नीचे हमको डिफरेंस लिखना है, तो इसका डिफरेंस हमारा 100 के बराबर होता है। एक इसी में भी हम लोग, हम चाहें तो आपका र्यूमर का भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक र्यूमर स्केल जो था वो भी था, तो इसके बाई में हमारा 80 होता है, क्योंकि उसका लोअर रेंज हमारा जीरो होता है और अपर रेंज हमारा 80 के बराबर होता है, तो जीरो हम लोग इसमें से 80 में सबट्रैक्ट करेंगे, बाई 80 हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपके 7th क्लास के स्टैंडर्ड पर र्यूमर स्केल आपको नहीं पढ़ना है, इसे मैंने आपको लिख दिया है कि आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। तो तीनों में जो आपस में जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन हम इस चार को भी शामिल कर सकते हैं, तो ये हमारा आपस में कैसे ये रिलेशन होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर सी स्टैंड फॉर सेल्सियस, एफ स्टैंड फॉर फारेनहाइट, के स्टैंड्स केल्विन, आर स्टैंड्स रेमर, सी में से जीरो को सबट्रैक्ट करते हैं तो सी बचता है, तो बाई 100 रहेगा, एफ हमारा वैल्यू इतना ही रहेगा, ओके, के हमारा वैल्यू उतना ही रहेगा। अभी हम र्यूमर को एक्सेप्ट छोड़ करके चलते हैं। देखिए, अगर हम दो वैल्यू के अगर एक साथ, अगर आपको रिलेशन एस्टेब्लिश्ड करना है दो के बीच, यानी फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, तो आप केवल दो को लेकर के चलेंगे। अगर रिलेशन एस्टेब्लिश्ड करना है फारेनहाइट और केल्विन के बीच में, तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको लेकर के चलेंगे। अगर रिलेशन एस्टेब्लिश्ड करना है आपको सेल्सियस और केल्विन के बीच में, तो इसको आप गौन करना है। क्लियर है? लेकिन ये जो हमारा वैल्यू है, आप इसको याद रखेंगे, ये भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये आर बाई 18, ये भी आप इस सभी वैल्यू को आप याद रख सकते हैं, कि कोई पूछे कि इसमें रिलेशन क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू के माइनस 273 इज इक्वल टू आर बाई 18, आर फॉर रोमर। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू आपस में इक्वल होता है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 1 by 1 करके इस तीनों चारों का भी रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, जिसे आपको न्यूमेरिकल बनाने में अभी से लेकर के आपको नेक्स्ट जितने क्लास तक अब जाएंगे, 9th में जाएंगे,
11th में जाएंगे, इस सभी में आपको सबका रिलेशन मिलेगा, इस सभी वैल्यू पे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मिलेंगे, क्लियर है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि सी अगर दिया है तो एफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ अगर दिया है तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर केल्विन दिया है तो फारेनहाइट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तब तक आपके बुक में भी दिया हुआ है 7th क्लास के में, आप चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।